नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, पिंपल्स फ्री फेस पाना और चेहरा सुंदर तथा चमकता हुआ होना हर वुमेन की चाहत होती है और सुंदर होना वुमेन के लिए जरूरी भी है। कैसे आप अपने चेहरे के जिद्दी से जिद्दी पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स को दूर कर सकते हैं? चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, अगर उस पर पिंपल्स हैं तो यह चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देते हैं और बुरी नजर आती है। इन जिद्दी दागों को पिंपल्स को हटाने के लिए घरेलू नुस्खे से लेकर बाजारी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यह दाग धब्बे तथा पिंपल्स पीछा नहीं छोड़ते। और आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा, यह नुस्खा आपके चेहरे पर असर तो करेगा ही, साथ ही आपके पैसे की बचत भी करेगा। तो चलिए आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और रेड बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो मिल सके। उसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन का आपको पता चलता रहे और नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, वैसे तो कपूर घर में कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, टॉयलेट में, कपड़े में रखने के लिए और भी कई कामों में कपूर को प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यह आपके जिद्दी पिंपल्स और डार्क स्पॉट को भी खत्म कर सकता है। कैसे? अकेले कपूर का प्रयोग अपने पिंपल्स और डार्क स्पॉट पे ना करें, इसके लिए आप कपूर की टिकिया का पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें और उसको कोकोनट ऑयल में मिलाकर इसका प्रयोग करने से आप पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, कील मुहासे के लिए सबसे यह गुणकारी औषधि है और इससे आप अपने पिंपल्स, डार्क स्पॉट और कील मुहासों को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे के सांवलेपन को दूर करना चाहते हैं तो कपूर भी इस कार्य के लिए बहुत ही अच्छा है। कपूर चेहरे की खूबसूरती के साथ सांवलेपन को भी दूर करता है। कपूर के पाउडर में कोकोनट को मिक्स करके इसको फेस पर लगाने से सांवले चेहरे को दूर कर सकते हैं। आधे घंटे तक लगाने के बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोलें और रेगुलर इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगले उपाय में आपको 2 चम्मच बेसन लेना है तथा 1 चम्मच डेटॉल लेना है और अगली चीज है 3 चम्मच गुलाब जल। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। दोस्तों, बेसन आपके चेहरे को क्लीन तथा फेस पर चमक लाता है। डेटॉल आपके चेहरे के पिंपल्स को ठीक करता है क्योंकि यह एंटीसेप्टिक लोशन है। गुलाब जल आपके चेहरे के रोम छिद्रों को खोलता है जिससे स्किन को फ्रेश एयर मिल सके ताकि तथा इन तीनों चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब पहले आप अपने चेहरे को किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो लें और अपने चेहरे से पानी को साफ कर लें और उसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। रात को सोने से पहले अपने फेस पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद 1 घंटे के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। आपका चेहरा एकदम चमकदार तथा सुंदर दिखने लगेगा। दोस्तों, अगले उपाय में आपको नींबू लेना है। नींबू में सिट्रिक एसिड होने से यह स्किन के डेड सेल्स को बाहर निकालता है और ग्लिसरीन हमारी स्किन की मृत कोशिकाओं को रिमूव करता है और ऑयली स्किन से छुटकारा दिलाता है और स्किन को चमकदार बनाता है। इसके साथ साथ चीनी, जिसको हम शुगर कहते हैं, स्क्रब करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है और स्क्रबिंग के लिए चीनी बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक लोशन बना लें। अब इस पेस्ट को नींबू की सहायता से अपने फेस पर 10 मिनट के लिए स्किन पर मसाज करें नींबू की सहायता से पेस्ट लगाने के बाद, और ऐसा करने से आपकी स्किन सॉफ्ट ग्लोइंग करने लगेगी और नॉर्मल पानी से आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके फेस पर पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और कील मुहासों से आपका फेस दूर रहेगा
और आपको इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया नुस्खा नया उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।